एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एमपी टेट की बुक्स के बारे में। एमपी टेट का एक पार्ट वन जो स्ट्रेटेजी वाला है वो मैंने शेयर कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट वन शेयर हो चुका है जिसमें टोटल मैंने आपको बोला था कि 5 महीने हैं हमारे पास एमपी टेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें स्टार्टिंग के 2 मंथ हमको कैसे पढ़ना है, ये 2 महीने किस तरीके से हमको प्लान करके पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट की बुक्स के बारे में कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो भी बुक आप लोगों के पास हो ये मत सोचना कि जो मैंने यहाँ बताया है वो बुक आपके पास होना कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। जो आपके पास है अगर वो ठीक लगती है तो वही पढ़िए, लेकिन अगर आपने अभी तक कोई बुक परचेज नहीं की है और एमपी टेट की अभी से ही पढ़ाई शुरू करने वाले, बहुत से लोगों ने ऐसा होगा कि अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब चूंकि एमपी टेट की टेंटेटिव डेट पता चल गई है कि भाई ये है, तो हो सकता है बहुत लोग अब पढ़ाई शुरू कर दें। तो अगर आप लोग बुक्स नई परचेज करने वाले हैं, बिल्कुल अभी तक आपने कुछ भी परचेज नहीं किया है, तो आप मेरे सजेशंस मान सकते हैं। वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वो बुक्स लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सिलेबस सबको ही पता है कि देखो सीडीपी क्या है, 30 मार्क्स की आनी है, ठीक है, 30 मार्क्स। अब जिसने पहली बार जो एमपी टेट दे रहा है, जो अभी डीएलएड डीएड जिसका रनिंग में है या बीएड कर रहा है, लास्ट ईयर में है, तो उसको सीडीपी के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होती है। भले ही हमने बीएड डीएलएड डीएड में पढ़ा होता है, लेकिन उस टीचिंग ट्रेनिंग टाइम में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बस केवल पेपर देकर और उस चीज को बस डिप्लोमा या जो भी होता है हम अपना क्लियर कर लेते हैं, हमको उतना मतलब नहीं रहता है। लेकिन अब चूंकि हम एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमको सीडीपी से मतलब भी है कि भाई 30 मार्क्स का जहां वेटेज है और पेडागोजी सेक्शन भी आने हैं, तो अच्छा खासा इसका रोल रहने वाला है। तो अब किस तरीके से पढ़ना है ये थोड़ा सा समझ लो। तो देखो कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो सबसे पहले 11-12 की एनसीईआरटी जरूर एक एक बार पढ़ लेना। एक बार अगर नॉर्मल भी पढ़ रहे हो तो एक बार तो कम से कम इनको पढ़ ही लेना। उसके बाद देखो अगर और अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो एनआईओएस की जो डिप्लोमा आपने देखा होगा, ये डीएलएड की जो बुक्स आती है इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो ये डीएलएड की है इस तरीके से, ये इनके ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाती है। मैंने इनके प्रिंटआउट्स निकलवा लिए क्योंकि क्या होता है कि हम मोबाइल से पीडीएफ फॉर्म में बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने टाइम देखो क्या होता है, हम कुछ वीडियोज भी देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो मोबाइल कम से कम आप ये समझो कि 2 से 3 घंटा वहां पर लग जाता है। अगर आप ये कहो कि अब एनआईओएस की जो बुक्स है या जो थ्योरी अगर हमको कहीं से पढ़नी है तो अगर वो भी हम पीडीएफ फॉर्म में मतलब मोबाइल से अगर पढ़ेंगे तो सोचो कितना टाइम चला जाएगा, तो आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस वजह से मैंने आपको सजेस्ट करने के लिए कि वाकई में ये बुक्स अच्छी है या नहीं, उसके लिए मैंने इनके प्रिंटआउट्स निकलवाए, मैंने खुद से पढ़ा, वाकई में बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इससे इजी लैंग्वेज तो आपको और कहीं मिल भी नहीं सकती है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, तो कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए एक तो एनसीईआरटी की हेल्प ले लो, और क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, ऑथेंटिक है, सबसे बड़ी बात चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए, मिस्टेक्स बहुत कम होनी चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी है और उसके बाद ये एनआईओएस इग्नू की है, एनआईओएस डीएलएड डीएड जो भी आप लेना चाहें वो बुक ले सकते हैं। मुझे जो ठीक लगा वो यहाँ पर मैंने सजेस्ट कर दिया कि कंसेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो इन बुक से बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगा। और बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मुश्किल से 30-35 पेज का एक पीडीएफ आता है, एक टॉपिक जिसमें क्लियर हो जाता है। इसमें मैथ्स की पेडागॉजी, साइंस पेडागॉजी, ईवीएस पेडागॉजी, हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी, उसके बाद सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जिसमें पर्सनालिटी, लर्निंग, इंटेलिजेंस ऐसे टॉपिक्स हैं, तो कोलबर्ग प्याजी ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने खुद करके देखा है, उसके बाद आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो भाई पीडीएफ फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो पीडीएफ है वो उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, कि अगर आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो
तो निकलवा सकते हैं, और अगर पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहां पर ये बात आ गई हमारी सीडीपी की। सीडीपी की देखो और भी बहुत सारी बुक्स हैं, पियर्सन की बुक है, सिकवाल पब्लिकेशन की बुक है, बट किसी ना किसी बुक में कुछ ना कुछ एरर टाइप की मुझे लगती है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मतलब ऑथेंटिक सोर्स मिले जहां से आपकी थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर हो, तो वो ये केवल एनसीईआरटी और ये जो एनआईओएस की बुक है वो लगे। अब बात कर लेते हैं सिकवाल पब्लिकेशन में, थ्योरी बहुत अच्छी है बट उसमें थोड़े थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स में मुझे मिस्टेक्स लगी, इसलिए यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप सिकवाल की थ्योरी पढ़ सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हो। और पियर्सन में भी ठीक है बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं वहां पर यही बोलूंगी कि अगर फिर भी मतलब अननेसेसरी कोई भी बुक मत लो। बहुत सारे नाम आते हैं ऐसे, तो बहुत जो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं हम फालतू में पढ़ रहे हैं। ये देखो 30-35 पेज में आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर कर रहा है, बहुत अच्छे से बता रहा है और बहुत इजी लैंग्वेज है। अब चूंकि जब हम सबसे पहली बार ही सीडीपी पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी बहुत अजीब लगेगा। देखो इसमें कोई टेंशन नहीं, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो पढ़ने में भी अजीब लगेगा, समझ नहीं आएगा, सारे जो थ्योरी है वो पूरे माइंड से निकलते जाएंगे। यार ये क्या है, ये मतलब क्या चीज है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, रिवर्सिबिलिटी क्या है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे जो जैसे प्याजे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे निकलेंगे माइंड से। लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, क्योंकि 5 महीने हैं, कोशिश करो अभी से ये बुक्स पढ़ने की, और जो भी सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड करके पढ़ना। अगर सीडीपी में मुश्किल से मुश्किल दो बुक का है, दो ज्यादा से ज्यादा तीन, बस इससे ज्यादा तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, 2 से 3 बुक की हेल्प ले लेना। किसी में थ्योरी अच्छी मिलेगी, किसी में ऑब्जेक्टिव, ऐसे कॉम्बो करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके केवल 2 से 3 बुक्स की हेल्प लेना, और बस ये कोशिश करना कि वो ऑथेंटिक हो, उसमें गलतियां बहुत कम दी हो। तो ये बात हो गई हमारी सीडीपी की। अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में देखो वही आता है कि सबसे पहली बात ये आती है कि वोकैब आएगी यहां पर, ग्रामर का बहुत बहुत रोल नहीं रहेगा। केवल जो अनसीन पैसेज रहते हैं, गद्यांश पदांश या इंग्लिश में पैसेज, तो यहां पर उसके अंदर से ही 1-2 क्वेश्चन ग्रामर के अंदर से पूछ लिए जाएंगे। 2 पैसेज आएंगे 7 और 8 नंबर के, 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी आएगी। तो पैडागॉजी के लिए देखो मैग्रॉ हिल ठीक लगी मुझे, मैंने पढ़ के देखी थी, मैग्रॉ हिल ठीक लगी। आप चाहे तो ले सकते हैं, मैग्रॉ हिल ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे तो पियर्सन की भी पैडागॉजी की अलग से बुक आती है, सिकवाल पब्लिकेशन की जरूर मुझे अच्छी लगी वो ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वहां वो जरूरी है। देखो मैं तो आप लोगों को बताने के लिए एक बार खुद से पढ़कर देख लेती हूँ। यहां पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को बताने के लिए ही ये वाली बुक ली गई थी सिकवाल की। यहां पर ये हिंदी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये आप लोगों के लिए ली गई थी। इसमें देखो शिक्षण विधियां भी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बुक। इसमें शिक्षण विधियां इतने अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो वो भी ये ले सकते हैं। यहां पर सब चीजें कोई मैंडेटरी नहीं रहेंगी, ले सकते हैं बस जो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें पैडागॉजी जो सेक्शन है ना वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है सिकवाल में, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैग्रो हिल भी अच्छी है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और क्या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी कर जाता है कभी कभी, तो यहां पर भी देखो 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी और 2 अनसीन पैसेज आएंगे। तो यहां पर क्या करना, हिंदी के लिए व्याकरण में मेन तौर पर मैं ये बोलूंगी विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों में एक शब्द, तो ऐसे वाले कुछ कर लेना। और रस, छंद, अलंकार इनके पीछे मत पढ़ना, मतलब पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लेना सरसरी निगाह से, बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़ना। यहां पर भी यही कहूंगी कि ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये समझ लो कि ग्रामर यहां से केवल 2 या 3 नंबर की पूछ ली जाए 15 नंबर में, बाद बाकी आपसे वोकैब भी पूछी जाएगी। तो वोकैब जितनी अच्छी कर सकते हो, पिंटो पैरामाउंट में हर बार सजेस्ट करती हूँ, एक परफेक्ट आती है वो भी ठीक है, अरिहंत की आती है रेड कवर पेज में वो भी ठीक है, बट पिंटो पैरामाउंट मुझे इसलिए ठीक लगती है क्योंकि उसमें जो वोकैब है, जैसे इंग्लिश में कोई भी वोकैब दी है तो उसमें वहां पर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आपको वापस से बार बार डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं। अरिहंत में इंग्लिश टू इंग्लिश दी हुई है, परफेक्ट में भी इंग्लिश टू हिंदी दिया हुआ है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। यहां पर देखो बार बार प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्या लेना है। उसके बाद
ईवीएस के लिए सबसे पहले तो भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ छूटे ना पाए। ज्योग्राफी की सिक्स टू एट पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो ये वाला पेपर 2011 में हुआ, चूंकि 10 साल हो गए किसी को नहीं पता कि किस तरीके का ये पैटर्न रख रहे हैं। एक ये आता है यूथ कॉम्पिटिशन वाला, ये मुझे इसलिए ठीक लगता है यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मतलब हर जगह के टेट के आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको जैसे यूपी टेट का है, सी टेट का है, हरियाणा का है, झारखंड का है, बिहार का है, तो आपको सब अनुमान लग जाता है कि ईवीएस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईवीएस में सब समाहित रहता है, साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस खुद का पार्ट भी। तो एक तो ज्योग्राफी का 6-7-8 कर लो, बहुत पतली पतली सी बुक्स है, 50-55 पेज की, 60 पेज की कुछ बुक पेजेस आएंगे एक बुक में, इतने ही पेजेस हैं, लगभग 200 पेज भी अगर मान लो तो ठीक है। वहां से कंसेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे कि पहाड़, पर्वत, नदियां किस तरीके से चीजें पूछी जा रही है। और ईवीएस के लिए एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेना थर्ड फोर्थ फिफ्थ की। और चाहो तो इसकी जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है, बहुत समरी फॉर्म में मैंने बनाई हुई है, 3-4 वीडियोस हैं केवल, मतलब एक दिन में आप 4 वीडियोस आराम से देख सकते हो। चारों वीडियोस में लगभग से लगभग आपको 1-1.5 घंटा लगेगा और नोट्स भी बनते जाएंगे क्योंकि वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। और मैथ्स के लिए देखो ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पर फोकस कर लो, एनसीईआरटी जितना पढ़ सकते हो एनसीईआरटी पढ़ के जाना वो ठीक रहेगा। और पेडागॉजी के लिए वापस मैं वही कहूंगी कि साइंस और मैथ्स की कॉम्बो करके आती है सिखवाल की, उसके बाद मैग्रो हिल की आती है, तो जो आपको ठीक लगे वो ले लेना। साइंस के लिए मुझे मैग्रो हिल की बहुत सही लगी, तो अगर कोई भी ऐसा कोई एग्जाम दे रहा है जहां पर साइंस की पेडागॉजी पूछी जा रही है तो वहां पर आप उस चीज के लिए ले सकते हो। चूंकि अब हम एमपी टेट की बात कर रहे हैं तो अभी इसमें साइंस का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया चूंकि बुक्स की बात हो रही है, तो साइंस में मुझे मैग्रो हिल बहुत अच्छी लगी। उसके मतलब जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल उन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना बिल्कुल वन लीनियर फॉर्म में। आपने देखा होगा ईएमआरएस के लिए मैं एक अलग से सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं साइंस के वन लीनियर फैक्ट्स कराती हूँ, अगर आप लोग कोई भी ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको वो वीडियो शेयर कर सकते हो। तो यहां पर ये बात हो गई, ये सारे सब्जेक्ट्स की यहां पर बात हो गई, बुक्स के बारे में बात हो गई। बस ये ध्यान रखना कि जो बुक्स आपके पास है आप प्लीज डरना मत कि यहां पर मैंने ये बुक्स बता दी है तो अब वही बुक होनी चाहिए, बस ये है कि उसमें देख लेना गलतियां बहुत कम हो, ऑथेंटिक सोर्स हो, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हो। और क्या इसके एक तो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है तो अलग अलग स्टेट के पेपर लगाकर देख लो, आपको लगे कि हाँ आपसे अब आंसर बनने वाले हैं तो वो बुक ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपसे बुक्स उसके आंसर्स नहीं बन रहे हैं, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो एनआईओएस और एनसीईआरटी एक बार पढ़कर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं रीड की बुक्स पे बनाऊंगी कि रीड के लिए हम कौन सी बुक्स से हेल्प ले सकते हैं। आज हमने एमपी टेट के बारे में बात कर ली, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।